अपने शीरों की बख्शिश के लिए रोज़े क़यामत क्या है आपके पास? शहजादे ने जवाब दिया, गफाना लिमिस्ल ज़ाक अल-यौम यदान मक़तूआन मिन इब्नि अल-अब्बास। कि तुम पूछ रहे हो बख्शवाने के लिए क्या है, कि उस हौलनाक दिन के लिए अपने तमाम शियों की शफाअत और बख्शिश के लिए मेरे बेटे अब्बास के कटे हुए दो बाजू काफी। बेटे अब्बास के कटे हुए सिर्फ दो बाजू काफी। ये मारफत की इंतहा थी अबुल फजल अब्बास की। हजरत ने फरमाया कि तुम्हें पता है मेरे चचा अब्बास का मकाम क्या है जन्नत में, कि खुदा बंदे ने कहा ने मेरे चचा अब्बास को उन दोनों शहनों के बदले बाल ऊपर अता किए हैं। मेरे चचा अब्बास जन्नत में परवाज करते हैं तो शहदा उनकी मकाम की तरफ देख के हसरत करते हैं, हिब्ता करते हैं, रश्क करते हैं और खुदा से कहते हैं मेरे परवरदिगार काश ये मकाम मुझे भी दिया होता। कौन रश्क कर रहा है? जनाब हमजा सैयद शहदा किसके मकाम को देख के रश्क कर रहे हैं? अबुल फजल अब्बास। अजीब गरीब, आखिर क्यों ना हो? पता है एक आलिमे दीन ने फरमाया कि इमाम हुसैन से ज्यादा गरीब इमाम जमाना है। पूछा गया इसकी क्या इल्लत है, क्या वजह? कि इंसान की सबसे बड़ी गुर्बत होती है तन्हाई। मौला अब्बास इमाम हुसैन गरीब थे, गरीबुल वतन थे, अपने वतन से दूर थे, लेकिन वो गुर्बत जो इमाम जमाना की है वो गुर्बत इमाम हुसैन की नहीं थी। जब सवाल करने वाले ने सवाल किया तो आलिमे दीन ने जवाब दिया कि इमाम हुसैन गरीब थे लेकिन इमाम हुसैन की गुर्बत कुछ लम्हों के लिए थी, कुछ वक्त के लिए थी, क्योंकि जिसका अब्बास जैसा भाई हो वो गरीब कैसे हो सकता है? कि बस यही फर्क है इमाम जमाना, इमाम हुसैन के पास अब्बास जैसा भाई है लेकिन इमाम जमाना के पास अब्बास जैसा कोई भाई नहीं है। यही वजह, देखिए मौला अब्बास पे बड़ा भरोसा था, मौला अब्बास पे बड़ा नाज था। आपने जुमला सुना था, बस मैं मसाब मुख्तसर दो या तीन मिनट के आधार आपके सामने बयान करूंगा। एक जुमला बड़ा मशहूर मारूफ है कि जब अबुल फजल अब्बास के शामिल हुए, घोड़े से जमीन में तशरीफ लाए, इमाम हुसैन लाशे अब्बास की तरफ दौड़े तो हजरत ने जुमला फरमाया, बस मैं इसे मुकदमा बयान कर रहा हूं एक इंतहाए मसाइब का। हजरत ने जुमला फरमाया, क्या फरमाया? अल आन इनकसरा ज़हरी, ए अब्बास तुम्हारे जाने से मेरी कमर टूट गई। अब्बास तुम्हारे जाने से मेरी कमर टूट गई। अच्छा कमर टूटने से मुराद क्या है? कमर टूटने से मुराद क्या है? क्या इमाम हुसैन झुक के चलने लगे, ये मुराद है कमर टूटने से? ये अरब का मुहावरा है, ये अरब का मुहावरा है। जब भी बहुत ही ज्यादा इंसान सख्तियों में घिर जाता है, जब भी उसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब भी इंसान बिल्कुल मजबूर बेकस हो जाता है, फिर ये जुमला कहता है कि फला हादसे से मेरी कमर टूट गई, मेरे सारे रास्ते बंद हो गए, मेरी आस टूट गई, मेरी उम्मीद टूट गई। अब समझे मौलाना हुसैन ने क्यों फरमाया, ऐ अब्बास तुम्हारे जाने से मेरी आस टूट गई, अब्बास तुम्हारे जाने से मेरा हौसला टूट गया, अब्बास तुम्हारे जाने से मेरी उम्मीद टूट गई। अब्बास तुम पे बड़ा नाज था ना, आखिर क्यों ना हो? जब तक अब्बास जिंदा थे किसी में मजाल ना थी जो हुसैन की तरफ आंखें उठा के देखे। ऐसा नहीं सिर्फ मौला अब्बास को, ये मौला हुसैन को, हर किसी को नाज था अब्बास पे। जब ये लुटा हुआ काफिला मदीने पहुंचा ना, बशीर से कहा गया है
बशीर जाके मदीने में ऐलान कर दो, बस मैंने खत्म किए मसाइब, बशीर जाके मदीने में ऐलान कर दो, करबला में सबको मार दिया गया। बशीर मदीने में दाखिल हुए, आवाज दी, अलाया अहलाया फुराब, ए मदीने वालों, अब ये मदीना रहने के लायक ना रहा, अरे हाय हुसैन को करबला में भूखा और प्यासा। खुदा आपकी आवाजों पर रहमत से नाजिल करे, अरे याद करे उस जुमले को, अपना शबीब इन कुन तबाकियन सब के लिल हुसैन, अरे शबीब के बेटे अगर तुम किसी पे रोना चाहते हो तो आओ मेरे जद हुसैन पे रो, अरे मेरे जद हुसैन को करबला में रुला रुला के मारा गया, मेरे जद को करबला में रुला रुला के मारा गया। बस आवाज लगाने वाले ने आवाज लगाई, ऐ मदीने वालों, वो हुसैन जो रसूल का नवासा था, जहरा का लाडला था, अली का शेर था, करबला में भूखा और प्यासा मार दिया गया। अब मदीने में हलचल मचा, कोई इधर से भाग रहा है, कोई उधर से भाग रहा है। बशीर ने क्या देखा, एक ज़ाइफा हंसे का सहारा लेते हुए बशीर के पास पहुंची, बशीर को पकड़ा, ऐ बशीर तू किस हुसैन की बात कर रहा है? बशीर ने हाथों को जोड़ा कि शहजादी मैं फातिमा के गरीब लाल हुसैन की बात, मैं अली के लाडले हुसैन की बातें कर रहा हूँ। बस जैसे ये सुना, ज़ाइफा ने आशा फेंका कि बशीर मैं कैसे तेरी बातों को मान लूं जबकि मेरा बेटा अब्बास हुसैन के साथ है। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय गमे मज़लूम करबला के। बशीर मैं कैसे यकीन कर लूं जबकि मेरा बेटा अब्बास हुसैन के साथ है? बशीर ने हाथों को जोड़ा, फरमाया शहजादी बिल्कुल बजा पाया, जब तक आपका बेटा अब्बास जिंदा रहा किसी ने मजाल ना थी जो हुसैन की तरफ आके उठाए। शहजादी पे खैसदारी हुआ, ये कैसी बातें कर रहा है? मेरा बेटा अब्बास जरी है, बहादुर है, क्या अब्बास को किसी ने मार दिया? शहजादी मार दिया, अरे कैसे मारा मेरे बेटे अब्बास को? मेरा बेटा बहादुर है। हाथों को छोड़ा के शहजादी, आपका बेटा पानी लेने गया था, हाथों में तलवार नहीं थी, मश्क भरी नहर से बाहर निकले, किसी ने निशाना लगाया, दाया बाजू कलम हुआ, फिर निशाना लगाया, बाया बाजू कलम हुआ, फिर निशाना लगाया, मश्क पे छिदी, मश्क से पानी बहा, शेर ने घोड़े को मोड़ा। अब शहजादी सुनिए, शहजादी आपका बेटा अब्बास अभी भी बहादुर था, जरी था, लेकिन किसी लाई ने एक गुर्जली सीने पे हमला किया। बस जैसे सीने पे हमला किया, शहजादी आपका बेटा घोड़े पे संभल न सका, घोड़े से समी पे आया, बस इतना सुनना था, उम्मुल बनी पे गश्तारी हुआ, गश्ते फाका हुआ के बशीर, बस मैंने खत्म किया मसाइब के बशीर, एक जुमले के व्यवहार पर बशीर मुझे एक बात बता, कि मुझे बात ये बता, तू कह रहा है ना मेरे बेटे के दोनों बाजू कलम हो गए? बशीर तू कह रहा है ना मेरे बेटे की पेशानी पे तीर था? अरे बशीर जरा ये बता, जब भी शहसवार घोड़े से गिरता है अपने हाथों का सहारा लेता है, लेकिन मेरे बेटे के हाथ नहीं थे, सर बता या सीने के बता।